गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू स्टार का वार। स्टार का वार एक ऐसा सेक्शन जहां पर हम लोग आप लोगों को मिलाते हैं ऐसे लोगों से जिनकी आवाज़ तो बुलंद है और जो किसी तारीफ या तारुफ के मोहताज नहीं है। वी आर लकी, हम लोग फिर एक बार लकी है कि हमारे बीच में अतुल लोंडे जी है। अतुल लोंडे जी एक ऐसे प्रवक्ता है जिन्होंने अपने प्रखर आवाज़ से पूरे महाराष्ट्र और पूरे भारत को जगाया है। वे इश्यूज़ पर काम करते हैं, उनका पॉलिटिक्स इश्यू बेस्ड है और स्ट्रेट जनता के बीच में पहुंचने वाली आवाज सीधे आप तक पहुंचाने का सौभाग्य स्टार एपिक्स न्यूज को मिल रहा है। अतुल सर, वेलकम टू स्टार एपिक्स न्यूज। थैंक यू वेरी मच। अतुल सर, काय वाटतं तुम्हाला 2019 इलेक्शन्स, काश्मीर मध्ये गव्हर्नरचा राज, कर्नाटक मध्ये एकदम अचानक तुमचा हा चांगल्यापैकी जी म्हणजे जिंकणारा जो एक त्याला मला रणनीतीच मी म्हणेल त्याला राहुलजीचा हा सटल बिहेवियर, ह्या सर्ववरती थोडासा आमच्या प्रेक्षकांना तुम्ही लाईट द्यावर प्लीज। थँक्यू। सगळ्यात पहिले तर आपण राहुलजींबद्दल जे बोलले ते मला थोडंसं मान्य नाही। राहुलजी पहिलेपासून सेटल्ड होते, पण ही एक स्ट्रॅटेजी आहे पॉलिटिकल कॅरेक्टर ॲसॅसिनेशनची, जी त्यांनी इंदिराजींच्या विरोधात पण वापरली होती, त्यांना गुंगी गुडिया म्हटलं होतं, जी त्यांनी राजीवजींच्या विरोधात पण वापरली होती, त्यांना प्लेन चलाने इतना देश चलाना आसान नाही है, इट्स व्हेरी इझी टू राईड ऑन अ प्लेन दॅन ऑन राईड टू द कंट्री, सगळं ते चुकीचं ठरलं। कारण त्यांना हे माहिती आहे की हे कुटुंब जे आहे देशाच्या लोकांच्या समस्येशी जुळलेलं आहे, हे कधी कुठली गोष्ट चांगली केली तर त्याचा दावा करणार नाही, मी हे केलं जनतेसाठी करत असताना उपकाराची भावना त्यांच्यामध्ये नाही आहे। नाहीतर हेच मोदीजी किंवा हेच आरएसएसचे नेते यांच्या कुटुंबामध्ये किंवा यांच्या परिवारामध्ये एखाद्या दोन दोन लोकांचे जर देशासाठी बलिदान झाले असते त्यांनी किती डोक्यावर या सगळ्या गोष्टी घेतल्या असत्या याची आपण कल्पना करू शकता। एकच उदाहरण देतो मी, गेल्या 60 वर्षामध्ये या देशामध्ये जवळजवळ 95% गावांचं विद्युतीकरण झालं, पण काँग्रेसच्या नेत्यांनी इंदिराजी असतील, राजीवजी असतील, राहुलजी असतील, मी नेहरूजींच्यासाठी म्हणत नाही कारण त्यांनी पायाभरणीच केली होती, कधीही असं म्हटलं नाही की मी हे इतकं केलं। अरे लोक आपल्याला निवडून त्याच्यासाठीच देतात, आणि याचा ऍव्हरेज काढला तर प्रत्येक वर्षी 10,000 गावं इलेक्ट्रिफाईड झाले, विद्युतीकरण झालं असा येतो। यांनी मागच्या 4 वर्षामध्ये साधी राहिलेली 18,000 गावं सुद्धा करू शकले नाहीत। नदेला फतेलामध्ये 25 वर्षापूर्वीच वीज आली हरियाणामध्ये, पण तिथे लोकांसमोर जाऊन खोटं बोलले आपले देशाचे प्रधानमंत्री, ते नेहमीच खोटं बोलतात। तर हा फरक राहुलजींमधला काँग्रेसच्या संस्कृतीमधला आणि भाजपच्या आणि संघाच्या संस्कृतीमधला आहे की आपण इथे देशाच्या सेवेसाठी येतो, आपण जे काम करतो त्याच्यामध्ये लोकांना फायदा मिळाला पाहिजे, देश पुढे गेला पाहिजे आणि विद्वेषाची भावना नसली पाहिजे, आपलेपणाची आणि प्रेमाची भावना असली पाहिजे। जर तुम्ही राहुलजींचं पहिलं भाषण बघितलं तर आपल्या लक्षात येईल। तर राहिला प्रश्न, आपण काश्मीरचा प्रश्न उपस्थित केला, काश्मीरच्या प्रश्नाला अनेक कांगोरे आहे, एक देशांतर्गत प्रश्न आहे, त्याच्यानंतर सामिलीकरण झालं अनेक राज्यांचं, प्रिन्सली स्टेट्स 562 होत्या, त्यातला काश्मीर हे मुळातच बॉर्डर स्टेट असल्यामुळे त्याच्या संदर्भामध्ये अनेक प्रश्न उपस्थित झाले होते, 370 आहे, 35A आहे, याच्या संदर्भामध्ये खूप भ्रम पसरवल्या जातात। मुळामध्ये काश्मीरी पीपलची मुवमेंट झालेली होती, आणि हे मी पहिल्यांदा कुठल्या चॅनलवर बोलतोय लक्षात घ्या तुम्ही, की पंडित लोकांनी एक मुवमेंट केलेली होती 1922 साली, आणि त्यांनी असं म्हटलं होतं की काश्मीर फॉर काश्मीरीज, लिसन, काश्मीर फॉर काश्मीरीज, त्यामुळे इथल्या बाहेरच्या इथे बाहेरच्या लोकांना घरं घ्यायला, संपत्ती घ्यायला, नागरिकाचे अधिकार हक्क जे आहे ते मिळण्याला त्यांनी विरोध केला होता, आणि त्यावेळेच्या राजांनी तसा ऍक्ट पास केलेला होता, त्याच्यातून 370 जे आहे ते आलेलं आहे। आणि जर काश्मीर आपण समाहित करून नसतं घेतलं तर मग आपल्यासाठी फार मोठी डोकेदुखी ठरली असती, कारण की ते स्ट्रॅटेजिक जॉग्राफिकल सिच्युएशन पोझिशन आहे त्याची, जिथून इंग्लंडला कंट्रोल करायचा होता रशिया, चायना आणि भारतासारखे अपकमिंग पॉवर्स, तीच भूमिका आता अमेरिका करते आहे, फक्त त्याच्यामध्ये त्यांची वेपन इंडस्ट्री जी आहे, शस्त्रास्त्र निर्मितीचे जे कारखाने आहेत ते खाजगी क्षेत्रामध्ये असल्यामुळे त्यांना ठिकठिकाणी डिस्प्यूट हवे असतात, ठिकठिकाणी वाद प्रवाद असले तर लोक शस्त्र घेतील ना, तर हा आंतरराष्ट्रीय कंगोरा असणे, त्याला एक बफर स्टेट म्हणूनची पॉलिसी असणे, आणि भारताच्या स्वतःच्या राष्ट्रीय हिताची त्याला एक किनार असणे, या सगळ्याच्या अनुषंगानं नेहरूजींनी त्यावेळेस किती इंटलेक्च्युअली विचार केला होता। आणि भाजपचं चुकते काय आहे की भाजपला फक्त जमीन आपली हवी आहे, जमीन म्हणजे फक्त देश होत नाही, जमिनीवरचे लोक तिथल्या संस्कृतीसहित आपले होतात, त्याला म्हणतात देश। त्यामुळे भाजप जर काश्मीरी प्रश्नाचा दोन अनुषंगानं जर वापर करत असेल, अंतर्गत निवडणुका जिंकण्याचा, अंतर्गत राजकारणासाठी त्याचा जर वापर करत असेल, आणि हिंदू मुस्लिम दरी वाढवण्याचा जर प्रयत्न करत असेल, तर त्यांना भारत कळलेला नाही।
या भारतामध्ये हिंदू धर्मातच विविधता आहे. उत्तरेतले लोक आणि मध्य भारतातले लोक हे केदारनाथ बद्रीनाथला आपलं पूजनीय स्थान मानतात, तर दक्षिणेतले हिंदू पद्मनाभ स्वामीच्या मंदिराला मानतात. उत्तरेतले भागवती संप्रदायाचे लोक, भागवती पंथ जो आपला आहे किंवा भागवत धर्म आपला जो आहे, उत्तरेतले लोक निर्गुण मानतात आणि दक्षिणेतले लोक सगुण मानतात. मग ही विविधता तर हिंदू धर्मामध्येच आहे. त्यामुळे हे हा ही जी संभ्रमावस्था भाजपची स्वतःची आहे देशाच्या संदर्भामध्ये, त्याची किंमत आज देशाला चुकवावं लागत आहे. आणि हा मूळ प्रश्न जो आहे काश्मीरचा, की त्यांना मानवी मूल्यातून बघणे, त्यांच्यापर्यंत रोजगार नेणे, त्यांना आपण मुख्य प्रवाहामध्ये सामील करून घेणे, त्यांच्यामध्ये आपण ह्या देशाचे नागरिक आहोत आणि आपल्या जबाबदाऱ्या आहेत, हा देश आपल्याकडं बघण्याचा दृष्टिकोन हा मानवीय आहे, प्रेमाचा आहे, हे देण्यापेक्षा, तिथे व्यापार वाढण्यापेक्षा, तिथे लोकांना रोजगार देण्यापेक्षा 370 बोलायचं, लाल चौकामध्ये आम्ही जाऊन झेंडा फडकवतो, अशा छोट्या छोट्या भावनिक गोष्टी ज्या आहेत त्या करायच्या, त्यांनी लक्षात घेतलं पाहिजे. अतुल सर, बोलता बोलता माझ्या डोक्यात एक प्रश्न नेहमी येत असतो की एक पॉप्युलिस्ट प्रोग्राम BJP चालवत आहे की ज्याच्यामध्ये खूप इन्फ्रास्ट्रक्चरवरती जसं काय एखादा स्टिरॉईड इंजेक्शन दिलेलं आहे आणि एकदम हायपर इन्फ्रास्ट्रक्चर लाईक मेट्रोज ये सब जब चल रहा आहे, आपकी क्या प्रतिक्रिया आहे? क्योंकि लोगों के से जब जब आपण लोक चर्चा करते हैं तो लोगों को ये इन्फ्रास्ट्रक्चर ने एक समभ्रम की स्थिति में डाल दिया है कि इट इज मिसअंडरस्टूड. डेव्हलपमेंट आई थॉट वॉज फॉर ह्युमन रेस, बट डेव्हलपमेंट ऑफ द इन्फ्रास्ट्रक्चर इज बिंग प्रोपोगेटेड प्रमोटेड एज ह्यूमन डेवलपमेंट. इसके ऊपर थोड़ा सा लाइट आप डालिए. हिंदी में बोलो या मराठी में बोलो? देखिए, विकास की संकल्पनाएं दो तरह की होती है, एक ग्रोथ ओरिएंटेड डेवलपमेंट कहा जाता है और एक वेलफेयर ओरिएंटेड कहा जाता है. अभी मानवीय दृष्टिकोण से हम इंसान की कितनी डेवलपमेंट कर सकते हैं, कितना विकास कर सकते हैं, उसको अगर देखा जाए तो सबसे पहले आता है एजुकेशन. शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ज़रूरी अहम बात है. फिर आती है तुम्हारे स्वास्थ्य की बात, फिर आती है आपके व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात, फिर आते हैं आप इस सारी व्यवस्था में कहाँ हो और किस तरह से आपके तरफ देखने का नज़रिया है. जहाँ तक आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट तो होनी ही चाहिए, उसे दोहराए रखने की कोई ज़रूरत नहीं है. लेकिन पहिया, एक पहिया घूमते रहेगा तो गाड़ी आगे जाएगी, ऐसा सोचना भी गलत है. जब इकोनॉमी में रिसेशन आता है, जब इकोनॉमी अपने डाउन स्लोप पर होती है, तब सरकार ने इन्वेस्टमेंट करके इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट देना, ये एक इकोनॉमिक सेट प्रिंसिपल है. लेकिन सबसे बड़ी गलती ये हो रही है कि ये करते समय आपने डीमोनेटाइजेशन किया और आपने हाफ बेक्ड GST लगाया, गलत तरीके से GST लगाया. GST बहुत अच्छा टैक्स है, लेकिन वो सिंगल टैक्स होना चाहिए. इन्होंने उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया कि एक मंझोला व्यापारी हो या छोटा व्यापारी हो, उसको समझ में नहीं आ रहा कि उसको करना क्या है, किस तरह से इस चीज़ को सामने जाए. आप सूरत में अगर जाओगे तो आपको पता चलेगा 10 करोड़ लोग इस देश में बाधित हुए हैं इस गलत गब्बर सिंह टैक्स की वजह से. 10 करोड़ लोग आज, लोग मार्केट में जहां लोगों को पैर रखने के लिए जगह नहीं थी वहां लोग क्रिकेट खेल रहे हैं. 4 करोड़ मीटर का कपड़ा बनता था, वहां पे 40-50 लाख मीटर कपड़े पे वो लोग आ गए हैं. वो टैक्स नहीं देने के लिए बोल रहे हैं ऐसा नहीं, उनका कहना है एकल बिंदु टैक्स लगाइए, सिंगल पॉइंट टैक्स लगाइए, यानपन लगा दीजिए, सॉल्व हो जाएगा, लेकिन सुनने को खाली नहीं. तो इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाने की नीति जो फंस रही है, जिसकी वजह से रोजगार का निर्माण नहीं हो रहा है, इकोनॉमी तेजी से दौड़ नहीं रही है, और जिस तरह का बेरोजगारी इस देश में बढ़ रही है, वो बहुत चिंता का विषय है. बात BJP या कांग्रेस की नहीं है, बात युवाओं की है, बात किसानों की है, बात आगे बढ़ने की है. अगर आप कहोगे कि हम 7.7% से आगे जा रहे हैं, और फिर रिजर्व बैंक का एक सर्वे ये कहेगा कि कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन इंडेक्स, उपभोक्ताओं को कितना अच्छा लगता है, इसका इंडेक्स अगर निगेटिव आएगा, नकारात्मक आएगा, तो आप कहीं ना कहीं लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, आंकड़ेबाजी कर रहे हो, लोगों को धोखा दे रहे हो,
ये ज़्यादा दिन तक चल नहीं सकता। अतुल जी, इन दिनों मैं देख रहा हूँ टेलीविजन के ऊपर में एकदम, इवन इंटेलेक्चुअल्स भी अभी एक अजीब सी लॉपसाइडेड लॉजिक्स पर बात कर रहे हैं। आप थोड़ा सा इस पर भी लाइट डालिए प्लीज। देखिए, इतिहास गवाह है, जब जब अर्थव्यवस्था ने ऊंचाई देखी है तो ढलान पर भी आई है। इकोनॉमिक साइकिल्स होते हैं, अर्थव्यवस्था के एक साइकिल्स होते हैं। 8-10 साल में बूम आना, फिर उसमें रिसेशन आना। हम 2008 में डीप रिसेशन में गए थे। देखिए, 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया था, जिसको ग्रेट डिप्रेशन कहा गया। उसके बाद लोग राइट विंगर्स हो गए। उसके बाद कोई नेता की ऐसी निजात होती है जो लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाता है। जिस तरह से, बड़ी संजीदगी से ये बात कहूँगा, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन बड़ी संजीदगी से मैं ये बात कहना चाहूँगा कि हिटलर ने जर्मनी में क्या किया था, मुसोलिनी ने जर्मनी में क्या किया था, स्टालिन ने क्या किया था। लोगों को सपने दिखाए थे, लोगों को पिछली सरकारों ने किस तरह से नुकसान किया, जबकि उस वक्त अर्थव्यवस्था अपने ऊंचाई चरम सीमाओं पे थी। फिर भी ये दिखाने में वो यशस्वी हो जाते हैं, सफलता उनको मिल जाती है कि ये सारी चीज़ें एक कम्युनिटी की वजह से हो रही है। एक कम्युनिटी को टारगेट करना, विशिष्ट समाज को टारगेट करना आसान हो जाता है। फिर बड़े बड़े सपने दिखाना, झूठ बोलना आसान हो जाता है। वही स्थितियाँ पूरे दुनिया भर में हुई है। आज ट्रम्प क्या कर रहे हैं, आज किम जोंग यूंग क्या कर रहे हैं, आज पुतिन क्या कर रहे हैं, और आज हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं। ये उस तरह का दौर तो नहीं आएगा, लेकिन एक चोट जो है दुनिया की अर्थव्यवस्था को, इनके सोच की, सामाजिक, सांस्कृतिक और अर्थव्यवस्था से संबंधित इनके जो सोच है, उसकी बड़ी चोट और गहरी चोट जो है दुनिया की अर्थव्यवस्था को लग सकती है, लगना शुरू हुआ है। जिस तरह का ट्रेड वॉर आज शुरू हुआ है, अमेरिका ने चाइना पे इम्पोज किया, अमेरिका ने हिंदुस्तान पे इम्पोज किया, हिंदुस्तान ने रिटालिएट किया अमेरिका को, तो ऐसी परिस्थितियाँ निर्माण हो रही है। वही सब दिख रहा है हर स्तर पर, जो बहुत खेदजनक है, जो बहुत हमारी संस्कृति से मेल नहीं खाता। ये बुद्ध की भूमि है, ये महावीर की भूमि है, ये महात्मा गांधी की भूमि है, ये गोडसे की भूमि हो नहीं सकती। अतुल जी, जब आप कहते हैं कि गोडसे की भूमि नहीं हो सकती, क्या अंदेशा है आपका? बंदूक उठा के गोली चला देना बहुत आसान है, लेकिन निहत्ता रहकर सब लोगों को जोड़ना और देश खड़ा करना बहुत कठिन होता है। तो कभी भी जो बड़ा इंसान होता है, जिसको बड़ा बनना है, उसको गांधी के ही मार्ग से चलना पड़ेगा, गोडसे की नहीं। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वंडरफुल वंडरफुल टॉक फ्रॉम अतुल जी, जिसके अंदर उन्होंने अपनी दिल से वो बोलते हैं। मैंने जैसे कि पहले आपसे कहा था, उन्होंने सारी चीज़ें आपके सामने रखने की कोशिश की है स्टार एपिक्स के माध्यम से। ऐसे ही बहुत सारे विषयों को लेकर हम आपसे मिलते रहेंगे हर शाम, जब भी हमको मौका मिलता है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। गुड इवनिंग फ्रेंड्स।